हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ गीत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में आज का जो प्लांट वीडियो टॉपिक है वो है फ्रेंड्स कि अगर आपके घर में बहुत कम जगह है और आप एक प्लांट लवर हैं घर में बहुत सारे प्लांट्स लगा कर रखना चाहते हैं तो आज इसी तरह के कुछ ऐसे प्लांट्स लाई हूँ जो कि बहुत कम स्पेस लेते हैं बहुत कम जगह में इन पौधों को आप लगा कर रख सकते हैं तो कौन कौन से प्लांट्स हैं जो आप कम स्पेस में भी लगा कर रख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो सारे प्लांट शेयर करती हूँ अगर आप लोगों को प्लांट वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को तो पहला जो प्लांट है फ्रेंड्स ये है सिंगोनियम ये देखिए ये बहुत ही कम स्पेस में और बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं और इसको मैंने एक एलिफेंट शेप का एक सेरमिक पॉट है उसमें लगा रखा है और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है तो आप सिंगोनियम प्लांट लगा सकते हैं सिंगोनियम प्लांट की कोई भी वैरायटी आप लगा कर रख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने एक और वैरायटी लगाई हुई है और इसको भी मैंने इसी तरह के पॉट में लगाया हुआ है ये देखिए इसमें भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है तो पहला जो प्लांट है वो है सिंगोनियम प्लांट इसके अलावा जो दूसरा प्लांट है फ्रेंड्स ये है स्नेक प्लांट इसे सेंसिवेरिया भी कहते हैं सेंसिवेरिया इसका साइंटिफिक नाम होता है और कॉमन नेम जो होता है इसका स्नैक प्लांट होता है इसे मदर इन लॉज टंग भी कहा जाता है और वैसे जो इसकी जो वैरायटी है ये वाली इसका जो नाम होता है फ्रेंड्स वो होता है बर्ड नेस्ट बहुत ही अच्छे एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स होते हैं और हवा को क्लीन करने में माहिर होते हैं और लो मेंटेनेंस प्लांट है बहुत सस्ते प्राइस में आप लोगों को किसी प्लांट वाले के पास या प्लांट नर्सरी में मिल जाएगा इसकी भी बहुत सारी वराइटीज़ आती हैं कुछ लोग इसे वेरीगेटेड स्नैक प्लांट के नाम से भी जानते हैं और ये जो प्लांट है ये ड्रॉप वैरायटी है यानी कि ये छोटे ही साइज़ के रहते हैं ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं और एक प्लांट आप लाते हैं तो बहुत सारे तैयार कर सकते हैं इसके अलावा जो प्लांट है फ्रेंड्स वो है जीजी प्लांट जिसे जैम्यू कल्क जैम्यूफोलिया प्लान भी कहते हैं ये बहुत ही अच्छे एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स होते हैं और नासा के लिस्ट में शामिल हैं ये हवा को साफ़ करने वाले वैसे पौधों में से एक है जो हवा को बहुत ही बेहतरीन तरीके से साफ करते हैं इसमें बहुत कम पानी देने की ज़रूरत होती है ये इंडोर प्लांट्स होते हैं घर के अंदर जहाँ पे ब्राइट लाइट मिलती हो वैसे जगह में इन पौधों को लगा कर रखें तो ये प्लांट्स बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं इस प्लांट की खास बात यह है कि ये हवा को तो बहुत बेहतरीन तरीके से साफ, साफ करते ही हैं और ये पत्तियों से भी ग्रो हो जाते हैं इसको कटिंग से भी आप लोग ग्रो कर सकते हैं और इसकी जड़ों में आलू जैसे छोटे छोटे राइज़ोम्स होते हैं जिसको बल्बस भी कहते हैं तो उसके थ्रू भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं तो बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं ये प्लांट्स इसके अलावा इसके अलावा आप लोग मनी प्लांट लगा सकते हैं मनी प्लांट की कोई भी वैरायटी जो कि बहुत ही कम स्पेस लेता है आप लोग किसी हैंगिंग बास्केट में भी लगा कर रख सकते हैं और मनी प्लांट्स भी बहुत अच्छे एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स होते हैं इसे पोथोस भी कहा जाता है और इसकी भी बहुत सारी वैराइटीज़ आती हैं तो ये था मनी प्लांट इसके अलावा जो प्लांट है फ्रेंड्स वो है स्पाइडर प्लांट जिसे क्लोरोफाइटम क्लोरोफाइटम कोमोसम भी कहा जाता है ये भी बहुत अच्छे एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स होते हैं और इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स भी आते हैं इस तरह के और हैंगिंग बास्केट के लिए प्लांट्स बहुत ही खूबसूरत हैं और इन प्लांट्स को आप बहुत कम स्पेस में लगा कर रख सकते हैं इसके अलावा एग्लोनिमा प्लांट है फ्रेंड्स एग्लोनिमा प्लांट की कोई सी भी वैरायटी आप लगा कर रख सकते हैं कम स्पेस में ये ये जो पौधे हैं सारे ये आप कम स्पेस में लगा कर रख सकते हैं ज़्यादा जगह की इन प्लांट्स को ज़रूरत नहीं होती है ये लिपस्टिक लिपस्टिक एग्लोनिमा है वैसे तो इसकी बहुत सारी वैराइटीज आती हैं और ये बहुत ही अच्छे एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स होते हैं हवा को बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ करते हैं इसके अलावा जो प्लांट है ये देखिए फ्रेंड्स ये है मॉन्स्टेरा प्लांट ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स होते हैं और इसको आप कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं एक एरियल रूट प्लांट्स होते हैं मनी प्लांट की तरह जहाँ जगह जगह से इसकी जड़ें निकल आती है तो इसको आप कटिंग से बहुत आसानी से बना सकते हैं एक से बहुत सारे प्लांट्स ये जो प्लांट्स होते हैं मॉन्स्टेरा के इसे स्विस चीज़ भी कहा जाता है और इसे ब्रोकन हार्ट प्लांट के नाम से भी जाना जाता है ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस प्लांट्स होते हैं अगर घर में रखा हो तो बच्चों और अपने जो पेट आपने रखा हो तो उससे थोड़ा सा दूर रखें ताकि बच्चे इसके कॉन्टेक्ट में ना आ सकें इसके अलावा जो प्लांट है वो है फ्रेंड्स ये देखिए बॉस्टन फर्न ये भी बहुत ख़ूबसूरत है और इसकी भी बहुत सारी वैराइटीज़ आती है इसको हैंगिंग बास्केट में लगा कर रखें बहुत कम स्पेस लेते हैं और बहुत ही खूबसूरती से आ, आ, ये प्लांट ग्रो होते रहते हैं आपके घर में तो बहुत ही प्यारे प्लांट्स हैं इसके अलावा आप लोग जो प्लांट लगा सकते हैं फ्रेंड्स वो अरेका पाम लगा सकते हैं अरेका पाम की भी बहुत सारी वैराइटीज़ आती हैं इसकी डॉफ़ वैराइटीज़ भी आती हैं जो बहुत छोटे छोटे साइज़ की रहती हैं जैसा कि मैंने लगाया हुआ है फ्रेंड्स ये देखिए एक छोटे से सार्मिक से पॉट में लगाया हुआ है और इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होती है बस इसी तरह से इसकी पत्तियाँ निकलती रहती हैं और साइज़ यही रहेगा इसका तो यही कुछ प्लांट्स हैं जो आप अपने घर में अगर कम स्पेस है आपके तो आप लोग इन पौधों को ज़रूर लगा कर रखें फ्रेंड्स ज़्यादा जगह भी नहीं लेता और बहुत खूबसूरत खुछूर। खूबसूरत लगते हैं ये पौधे अगर आप खूबसूरत से प्लांटर पॉट में लगा कर रख सकते हैं इसके अलावा पाम की एक वैरायटी है फ्रेंड्स ये देखिए पाला पाम ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं बहुत कम स्पेस लेते हैं और इसको भी मैंने एक जराफ में लगा के रखा है ये मिट्टी का पॉट है मेरा ये देखिए फ्रेंड्स और बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं तो यही कुछ प्लांट्स हैं अगर आपके घर में कम स्पेस है तो लगा कर रखें इन पौधों को तो आप अपने गार्डनिंग का शौक़ भी पूरा कर लेंगे प्लांट्स के आसपास रह के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं स्ट्रेस दूर होता है मेंटल जो आप लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे भी बहुत हद तक राहत मिलती है तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं ऑक्सीजन तो प्लांट्स देते ही हैं तो बहुत सारे फ़ायदे भी हैं प्लांट्स के लगा कर रखने के खूबसूरत भी बनाता है आपके घर को तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय फ्रेंड्स टेक केयर